12 फरवरी यानी कल का दिन बिहार और नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कल बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। अगर नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत नहीं मिला तो एक बार फिर से सियासी भूचाल आना तय है। हालांकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर लेंगे, लेकिन आरजेडी नेताओं के बयान खेला होने की संभावनाएं जता रही हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधानमंडल की आज अहम बैठक है। इधर जेडीयू ने व्हिप भी जारी कर दिया है। सभी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। वहीं आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आवास पर रोक रखा है। फ्लोर टेस्ट के लिए सभी विधायक यहीं से सीधे विधानसभा जाएंगे। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। वहीं महागठबंधन के पास 155 विधायक हैं। एक तरफ एनडीए के पास बहुमत से केवल 6 विधायक ज्यादा हैं, तो महागठबंधन के पास बहुमत से केवल 7 विधायक कम हैं। सारा खेल इन्हीं 6-7 विधायकों के बीच चल रहा है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा, दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं है। दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी, मैं ये चाहता हूँ आप लोग देखें। अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे, शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे, और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा।